नमस्ते, स्वागत है सीसीएल की लैब में। हमारे सामने आज एक बहुत ही रोचक खिलौना है, कैरम बोर्ड। आप सभी ने बचपन में जरूर खेला होगा और शायद अभी अगर आप बड़े हैं तो अभी भी खेलते होंगे। तो हमने जो कैरम बोर्ड खेला है वो चौकोर होता है, उसकी बाउंड्रीज चौकोर होती हैं। ये हमने एक खास कैरम बोर्ड यहाँ बनाया है जो कि इलिप्स के शेप में है। और आइए इसके जरिए थोड़ा गणित भी समझते हैं और एक मज़ेदार गेम भी खेलते हैं। तो इलिप्स एक तरीके का सर्कल ही हम मान सकते हैं, या सर्कल को एक तरीके का इलिप्स हम मान सकते हैं। सर्कल के बीच में एक खास बिंदु होता है जिसे उसका सेंटर कहते हैं, और इलिप्स में ऐसे दो बिंदु होते हैं जिन्हें हम फोकस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ जो इलिप्स है इसके दो फोकस पॉइंट हैं, एक तो इधर है और एक इधर है जहाँ पर को हमने एक छेद बनाया है। तो इलिप्स की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इलिप्स के किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए और वहाँ पर को एक टेंजेंट खींच लीजिए, अब एक फोकस पॉइंट से उस जो टेंजेंट पॉइंट पर एक लाइन खींचिए और फिर उस टेंजेंट से जो एक परपेंडिकुलर आया है उससे जितना एंगल इस लाइन ने बनाया था उतने ही एंगल पर आप एक और लाइन खींच लीजिए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो जो दूसरी लाइन है वो हमेशा दूसरे फोकस पॉइंट से गुजरेगी। यानी कि अगर हम उस टेंजेंट पर एक शीशा लगा दें और यहाँ से एक लेज़र लाइट भेजें तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमेशा फोकस से जाएगी। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने एक कैरम बोर्ड बनाया है जहाँ हम एक जो फोकस पॉइंट है वहाँ पर एक गोटी रखेंगे और दूसरे फोकस पॉइंट पर हमने छेद किया है। और इस जो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी है, एक्सेंट्रिसिटी मतलब कि सेंटर पॉइंट से एक फोकस तक की जितनी दूरी है उसको हम डिवाइड करते हैं सेंटर पॉइंट से ये जो मेजर एक्सिस की दूरी है, आधी दूरी। तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस एक्सेंट्रिसिटी होता है। और इस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी हमने 0.7 ली है, इसे हम बदल भी सकते हैं। तो देखते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है। तो हमने एक गोटी एक फोकस पॉइंट पर रखी और इसे मैं कहीं भी मारने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ये तो छेद में नहीं गई, फिर से ट्राई करते हैं। Thank you.